फिर मैंने एक आधा का कद्दू लिया, उसे मैंने भुजिया की तरह काट के, एक लाल मिर्ची उसमें हींग डाल के इसे थोड़ा चटकने दूंगी। जीरा और हींग और मिर्ची चटक चुका है, उसमें हम भुजिया कटे हुए डाल देंगे। अब इसे लो से हल्का ज्यादा फ्लेम करके ढक दीजिए। देखिए दोस्तों ये कैसा बन चुका है। अच्छे से मिक्स करके लाएंगे खंडरुई को जो कैसा है बुझलिया।